स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे बालक यहाँ पे आ जाएंगे। देखो, आज अपन लोगों की जो टीम है वो आप लोगों को दो पार्ट्स में विभाजित दिखाई देगी। कैसे विभाजन? ऐसा नहीं कि हम लोग दिल से अलग हो गए। असल में बात यह है कि आप लोगों का हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, आपका हरियाणा सीईटी का एग्जाम कैसा होना चाहिए बेटा? क्वालिफाइंग बेसिस पे होना चाहिए। तो वो जो क्वालिफाइंग बेसिस पे हो, इसके लिए हमारी जो टीम है वह गई है कहां पे? वह गई है रोहतक। तो आप में से जितने भी रोहतक आने वालक है वो सारे वहां पहुंचेंगे। ठीक है, और अपनी उस टीम का सपोर्ट करेंगे। अपने भाई, अपनी आवाज तो पहुंचानी पड़ेगी ना, अगर हम ही नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या होगा, है ना? तो जितने भी प्यारे बालक हैं, ठीक है, जो रोहतक के हैं या रोहतक के आसपास के हैं, आप पहुंच सकते हैं वहां पे, तो कोशिश कीजिए टाइम से वहां पे पहुंच जाए हमारी टीम का, जो वहां पे आप लोगों का सपोर्ट करने गई है उसका आप लोग भी वहां पे साथ दे। वो आप ही के लिए गई है, वो जो पूरी टीम गई है आप लोगों के लिए ही वो अपना वहां पे जाएंगी और अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। और डेफिनेटली देखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं अपनी टीम की, तो अपनी टीम जो है हमेशा कोशिश यही करती है कि सब कुछ अच्छा करके आए, है ना, ऑल इज वेल वाला हिसाब करके आए। तो उसके लिए स्टूडेंट सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो आप ही हैं वो स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे, जो वहां पे सपोर्ट देंगे। अच्छा, एक और चीज कि सिर्फ सीईटी वाले बालक नहीं, हरियाणा पुलिस वाले जो बालक हैं आप लोग भी जाइए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए अपनी उस टीम को। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि जब यूनिटी होती है ना, तभी आप किसी चीज को, अपनी समस्याओं को सामने आसानी से रख पाते हो, है ना, सरकार के सामने। तो इसी वजह से कोशिश कीजिएगा वहां सभी बच्चे जो भी नजदीक के हैं वो जरूर पहुंचे। तो चलिए फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्लड के बारे में बात करी थी और ब्लड से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें करी थी, और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अपन लोगों का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें चार भाग देखने को मिलते हैं। एक मिलता है हृदय, एक मिलता है ये धमनियां, तीसरा मिलता है रक्त यानी कि ब्लड, और चौथा क्या मिलता है आप लोगों को, लिम्फ मिलता है यानी कि लसिका मिलती है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, कुछ मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराए थे। और आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, हार्ट कराऊंगी। लेकिन हार्ट कराने से पहले ब्लड से रिलेटेड भी थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, ठीक है, कि हमारे ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो एक बार उसको और देख लें, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस हार्ट से रिलेटेड भी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एकदम ताबड़तोड़ बहुत तेजी से क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक जी, तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पे क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखेंगे कि भाई जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे हम लोगों को ब्लड ग्रुप्स के ऊपर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम रक्त समूहों की बात करते हैं, तो रक्त समूह जो होते हैं, 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्या बताया, सबसे पहली बार ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। एक्चुअल में क्या था कि पुराने जमाने में जब रक्तदान किया जाता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, तो कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी, कुछ लोग जी जाते थे। तो अब जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने कोशिश करी जानने की एक्चुअल में क्यों कुछ लोग जी जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो अपने पास आरबीसी होती है ना, जो लाल रक्त कणिका होती है, उस लाल रक्त कणिका के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, एंटीजन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एंटीजन्स मिलते हैं। और ये जो एंटीजन्स होते हैं, ये जो प्रतिजन होते हैं, इन प्रतिजनों के, ये प्रतिजन है क्या, ये प्रोटीन है। तो इन प्रोटीन के आधार पे कि कैसा प्रोटीन आरबीसी की सतह पे चिपका हुआ है, जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, तो इस आरबीसी की सतह पे कौन सा प्रोटीन चिपका हुआ है, उसके आधार पे इन्होंने ब्लड ग्रुप बताना शुरू किया। इन्होंने कहा ये ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, ये बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, और ये किसी टाइप का ब्लड ग्रुप नहीं है, यानी कि ना इसमें ए टाइप का प्रोटीन है ना इसमें बी टाइप का प्रोटीन है, तो ये सी टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया।
कहोगे मैडम पर हमने तो सी टाइप का ब्लड ग्रुप कुछ नहीं पढ़ा, तो आगे चल के ये जो सी टाइप का ब्लड ग्रुप है इसको बोल दिया जीरो टाइप का। अब जीरो अंग्रेजी के कौन से अक्षर जैसा दिखाई देता है, कौन से लेटर जैसा दिखाई देता है, आप कहोगे मैम ओ जैसा। तो इसीलिए इन्होंने आप लोगों के सामने रखी 1901 में ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। कौन सी? ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि जिसके पास ए प्रकार का प्रोटीन वो ए ब्लड ग्रुप, जिसके पास बी प्रकार का प्रोटीन वो बी ब्लड ग्रुप, और जिसके पास कोई प्रोटीन नहीं है वो हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप। वह कौन सा हो जाता है? ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग हमारे कार्ल लैंडस्टीनर जी ने दी थी 1901 के अंदर दी थी। नेक्स्ट बात आ जाती है कि मैडम हमने तो ब्लड ग्रुप चार प्रकार के पढ़े हैं, ए बी ओ और ए बी, तो मैडम ये ए बी कहां से आ गया? तो एक्चुअल में कार्ल लैंडस्टीनर के ही दो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम क्या है? डिकैस्टलो और स्टर्ली। तो ये जो डिकैस्टलो और स्टर्ली है इन्होंने क्या किया? इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज करी। किसकी? ए बी ब्लड ग्रुप की इन्होंने खोज करी। और अल्टीमेटली क्या होता है, डिकैस्टलो और स्टर्ली के द्वारा ए बी ब्लड ग्रुप खोजा गया। ठीक है, क्या खोजा गया बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप इन्होंने यहाँ पे खोजा। तो एक्चुअल में ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग आरबीसी की सतह पर जो दो प्रकार के प्रोटीन थे, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित थी। अब जैसे आप यहां पे देखिए, ये आपके पास चार अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है, मतलब आरबीसी है। ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें ए प्रकार का प्रोटीन है, आपको गुलाबी रंग का गोल सा प्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे दिखाते हैं, एक्चुअल में जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो आपके केमिकल्स ही है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी प्रकार के जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें आपको हरे रंग का एक प्रोटीन दिख रहा होगा। तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर बी प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा हर एक आरबीसी पे। तीसरा देखिए, ये वाली ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप में देखिए यहाँ पे बी प्रकार का प्रोटीन भी है और यहाँ पे ए प्रकार का प्रोटीन भी है, तो हम इसको क्या कह देंगे मैम? इसमें तो ए बी दोनों है, तो इसीलिए हमने इसको ए बी ब्लड ग्रुप कहा। ठीक है, और लास्ट देखिएगा, जिसके ऊपर ना ए प्रकार का प्रोटीन है ना बी प्रकार का प्रोटीन है, इसको हम ओ ब्लड ग्रुप कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चा? ओ ब्लड ग्रुप कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे एंटीजन हमारे ब्लड में कहाँ मौजूद होते हैं, कहना मैम आरबीसी के सतह पर। नंबर टू, ब्लड ग्रुप किस आधार पे बनाए गए? मैम आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन मौजूद है उसके आधार पर। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है कि मैडम ये जो एंटीजन है इसकी वजह से एंटीबॉडी कैसे बनती है? अब आपके दिमाग में वही सवाल आ रहा होगा ना जब हमने कल पढ़ा था कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो यहां पे वही चीज देखेंगे हम कि देखिए भाई ये जो एंटीजन है ये इस आरबीसी, मतलब जो जिस भी इंसान का ए ब्लड ग्रुप रहा होगा उसके लिए ए एंटीजन काम करेगा। अब मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, और मेरे को पड़ गई रक्त की आवश्यकता, तो अब रक्ताधान होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा और गलती से किसी ने मुझे बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो अब क्या होगा? अब मेरे अंदर के जो डब्ल्यूबीसी है वो तो अपना सांचा लेके बैठे है ना, उनके पास सांचा है कि भाई ऐसे वाला प्रोटीन आएगा, मतलब ये अपना इंडियन सिटीजन है। ठीक है, अच्छा मेरा ब्लड ग्रुप तो बी है ना, तो ऐसे उल्टा ले रहे हैं, किसी ने मेरा बी ब्लड ग्रुप है, किसी ने मुझे ए ब्लड ग्रुप दे दिया, तो अब क्या है? मेरे अंदर के जितने भी सिपाही हैं, कौन? डब्ल्यूबीसी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जितने भी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है उसमें भी स्पेशली लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट है ना ये डिसाइड, ये देख रहे हैं बाहर से कौन कौन आ रहा है। तो देखा इन्होंने ए ब्लड ग्रुप आया, अपने सांचे में इसको लगा के देखा, कहते हैं ये तो अपने देश का नहीं है, आतंकवादी है, मारो इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे? मेरे शरीर के जो सेल्स होंगे वो कहेंगे ये तो आतंकवादी है, डिक्लेयर कर दिया आतंकवादी आ गया है। अब कौन आएगा एक्शन में? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आएंगे, धपाक धपाक करके मारेंगे उसे। ठीक है, और जब दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो उसकी वजह से जन बनेंगे यहाँ पे थक्के। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे नसों के अंदर थक्के जमे इसका मतलब बहुत ही गलत बात है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका रक्त का जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रुकावट आने लगेगी और इंसान की मृत्यु हो सकती है, मतलब बोल सकती है मैडम। तो इस वजह से क्या करेंगे डॉक्टर्स? डॉक्टर्स कोशिश करेंगे कि मैम का बी ब्लड ग्रुप है तो ऐसा कोई ब्लड उनको दिया जाए जो क्या हो, जहां पे ऐसे रक्त के धक्के ना जमे, कोएगुलेशन ना हो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये समझ में? एंटीबॉडीज क्या है? तो एंटीबॉडीज ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन के अपोजिशन में बनती है। ठीक है, जैसे मेरे शरीर के अंदर अगर बी ब्लड ग्रुप है तो मेरे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी वो किसके खिलाफ बनेगी?
भाई अपन लोग हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में अगर कोई भी आतंकवादी आता है तो अपन सबसे पहला नाम किसका लगाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इसी तरीके से वो जो अदर देश है हम वो भी किसका नाम लगाते हैं, कहते हैं वहीं से आए होंगे, होता है ना। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली अगर आप समझो तो हम हमेशा जो हमारा एंटी होता है ना, हमेशा उसके खिलाफ ही क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। तो जैसे देखो बी ब्लड ग्रुप है तो ये एंटी ए का एंटीबॉडी बनाएगी, यानी कि मैं तो ए के खिलाफ लड़ूंगा। अच्छा सोचो ये जो बी ए बी ब्लड ग्रुप है ये किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, सोचो। इसके पास, अब आप इसको ऐसे मानो सिंगापुर जैसा देश है जहां पे गया है, जहां पे हमारे देश के लोग भी गए हुए हैं और ऑपोजिट देश के भी लोग गए हुए हैं, ठीक है। और वहां पे क्या है, वहां पे अब आप सोचिए कि वहां की एंटीबॉडी जो होगी वो किसके खिलाफ कहेगी कि अच्छा ये आतंकवादी है, किसी को नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी, क्योंकि दोनों ही प्रकार के एंटीजन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। वो कहेगी अच्छा ऐसे लोग आए, ये भी अपने सिटीजन है, अच्छा ये आए हैं ये भी अपने सिटीजन है, समझे। और लास्ट आ जाता है बेटा ओ ब्लड ग्रुप। तो देखो आप ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है लेकिन एंटीबॉडी एंटी बी बनती है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है लेकिन एंटीबॉडी एंटी ए बनती है, यानी कि ए के खिलाफ बनेगी। ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन बी है, बी एंटीजन बी है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है, ठीक है। और लास्ट देखिए ओ ब्लड ग्रुप, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए अगर इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये तो हर एक इंसान को, हर एक सामने वाले एंटीजन को क्या मानेगा, आतंकवादी। तो सबके खिलाफ ये क्या बनाएगा, सबके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, यानी कि ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा और ये बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटी ए एंटी बी सब बना रहे हैं, जैसे यूएस में होता है, ठीक है, कि भैया हिंदुस्तानी भी गया है उसको भी कह रहे हैं हाँ तुम ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और भी है उसको तुम ही होंगे, ठीक है। यूएस सिटीजन के अलावा सब कौन है, सब आतंकवादी है वहां, है ऐसे ही होता है ना। तो चलो यहाँ पे देखो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया फटाफट से थम्स अप भेजो, ठीक है। और अब यहाँ देखो एंटीजन क्या होता है, प्रतिजन क्या होता है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ये कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं और इनके कारण इम्यून रिस्पॉन्सेज डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन भी आ सकती है आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आ जाता है कि एंटीबॉडी क्या है, कि प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स, प्रतिजन के जवाब में जो प्रोटीन बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कहाँ तैर रहे थे, याद करो वो जो कल प्लाज्मा नाम की गाड़ी गई थी उसकी डिग्गी में यही नहीं पड़ा था, उसकी डिग्गी में ये एंटीबॉडी पड़ा था ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई खासियत नहीं बेटा, कोई खासियत नहीं है, ठीक है, यहां पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो अब देखो, अब बात आ जाती है कि मैडम आपने तो चलो हमको ये बता दिया, लेकिन हमने ना एक और चीज सुनी है और वो क्या है, वो है आरएच फैक्टर। अब ये आरएच फैक्टर क्या है, तो देखो कार्ल, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ब्लड डोनेशन हम कौन किसको कर सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव मैं आपको बाद में बताऊंगी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या क्या है, लेकिन अभी आप यहां पे देखो, यहां पे देखो अनु ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, चलो यहां पे ध्यान दो बेटा। हम क्या कहेंगे कि जब भी हमको डोनर ट्रिक देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमने एक फ्लैट लिया, ठीक है, या एक घर लिया। आपको पता ही होगा कि भैया पुराने जमाने में अपन लोग जब घर बनाया करते थे उस घर के अंदर क्या होता था, उस घर के अंदर हम लोग ना एक वो ऐसा जाल सा लगाया करते थे वेंटिलेशन के लिए, होता था ना। तो अब यहाँ पे अपन लोगों ने तीन फ्लोर का एक, तीन माले का एक घर लिया, ठीक है, तीन माले का एक घर लिया है और हर एक माले में क्या है, हर एक माले पे हमने जाल लगा रखा है। क्यों लगा रखा है जाल, ताकि क्या किया जा सके, ताकि आप आसानी से भैया इस घर के अंदर से वेंटिलेशन हो सके, नहीं तो घुट जाओगे इस घर में। तो अब क्या होता है, अब हमने ये जो घर में दिया ना, इसमें ऊपर वाला जो घर है ये है ओ का, इससे नीचे वाला जो घर है ये, इसके हमने दो पार्ट कर दिए। और जब हमने इसके दो पार्ट किए हमें क्या पता चलता है, एक तरफ ए का घर और एक तरफ बी का घर, और सबसे नीचे किसका घर है, ए बी का। अब आप ये सोचिए ओ जो है ना अपने अपने घर पे खड़ा है, ठीक है, ये ओ अपने घर पे खड़ा है, ऊपर से ना पानी गिराना शुरू करता है। अब आप मुझे बताओ ओ के घर से गिरा हुआ पानी कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस के घर जाएगा, आप क्या कहोगे, कहोगे मैडम ये ओ हम ही हैं, हम ही सबसे ज्यादा शरारती बालक हैं, हमने जो पानी गिराया वो ए के घर में भी जाके गंदगी करेगा, वो बी के घर भी जाके गंदगी करेगा,
ठीक है, और साथ साथ क्योंकि मैम ये जाल एक के ऊपर एक डले हुए हैं तो इस वजह से ये एबी के घर जाके भी गंदगी करेगा। मतलब सीधा ये है कि सबके घर आपने पानी का सप्लाई दे दिया, ठीक है, गंदगी नहीं हो सकता भैया, रिक्वायरमेंट भी मांगा हो किसी ने। चलो तो यहाँ पे देखो, ओ ने जब पानी गिराया ऊपर से नीचे तो वो ओ के घर फैला, ए के घर गया, बी के घर गया, ए बी के घर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ओ ने सबके घर पानी डाल दिया। अच्छा अब ए का सोचो, ए किस किस के घर पानी डाल सकता है। ए ने जब पानी डालना शुरू किया तो एक तो वो उसका खुद के घर पे गिरेगा पानी, दूसरा कहाँ जाएगा, जाल से नीचे जाएगा, बी के घर जा सकता है, यहाँ पे दीवार लगी हुई है, सोच लेना, ये और भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, दोनों के घरों के बीच में दीवार है। तो क्या यहाँ ए के घर से बी के घर में पानी जाएगा, नहीं जाएगा। तो ए जो है उसका घर से निकला हुआ पानी कहाँ कहाँ गया, एक तो ए के खुद के घर में गिरा, दूसरा ए बी के घर में। अच्छा बी वाले को देखो, बी वाले ने भी पानी गिराना शुरू किया, क्या ओ के पास पानी जाएगा, मैम ऊपर कैसे जाएगा, नीचे गिर सकता पानी। तो यहाँ पे बी वाले के फ्लोर पे पानी गिरा और ए बी के फ्लोर पे पानी गिरा, ठीक है। अच्छा अब ए बी वाला भी कहता है कि चलो मैं भी पानी गिराता हूँ, लेकिन वो देखता है ओ शिट मेरे यहाँ तो जल ही नहीं है, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है। तो ए बी वाला किसके यहाँ पानी गिरा सकता है, सिर्फ अपने खुद के घर पे, ठीक है बेटे। तो अब ये जो मैंने फ्लोर वाली कहानी सुनाई ना, अब इस फ्लोर वाली कहानी को यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो इसको, ओ ब्लड ग्रुप टॉप पे रहता है, ए और बी एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं लेकिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ये है कौन, ए बी सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। अब आप ऊपर से पानी, ऊपर से ब्लड देना स्टार्ट कीजिए। जब आप ऊपर से ब्लड देना स्टार्ट करते हो, एक तो ओ देखो हर एक जो जो भी ब्लड ग्रुप है वो खुद को ब्लड दे सकता है, वो खुद को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अच्छा और इससे नीचे जितने एरोज जा सकते हैं, नीचे कभी भी बराबर नहीं, हमेशा नीचे, नीचे की तरफ जितने एरोज हैं सब बना दीजिए। तो ओ से ए जा सकता है, ओ से ए भी जा सकता है, ओ से बी जा सकता है और ओ खुद को दे सकता है। इस एरो में ये जो पॉइंट है देखो, इस एरो की बात समझना, ये इसका है, ये डोनेट किसको कर रहा है, डोनेट टू, रिसीव फ्रॉम, ठीक है, उल्टा लिख दिया। मतलब इस एरो का मतलब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया जा रहा है और ये डोनेट किसको कर रहा है, ये एंड पॉइंट है। तो ओ से स्टार्ट हुआ ब्लड कहां गया, ए तक, ओ से स्टार्ट हुआ ए बी तक, ओ से बी तक, ओ से ओ तक। तो बात समझ रहे हो, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अब अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं जल्दी से, बी कैन डोनेट ब्लड टू, बी कैन डोनेट ब्लड टू, जल्दी से मुझे बताइए बी किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, फटाफट से इस एरो के माध्यम से आपको बताने में कोई समस्या नहीं होने वाली। शोरियान जल्दी से बताएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, धरक मीठा है, अच्छी बात है, चलो हमने मच्छर बहुत पसंद करेंगे फिर, है ना, जितनी सारी मच्छरियां होंगी आके खाएंगे, ज्यादा शुगर कंटेंट मिल रहा है, ग्लूकोज कंटेंट, क्लियर है बेटा। चलो ए बी को दे सकते हैं, खुद को नहीं देगा, खुद को भी तो देगा ना, ये तो सोचो ना, बी से निकला बी तक गया तो बी कैन डोनेट ब्लड टू बी एंड ए बी, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर दो, ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ए किससे रक्त रिसीव कर सकता है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ए किससे रक्त ले सकता है, ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, जल्दी से बताइए, ओ से मतलब किस किस से रक्त ले सकता है, देखो रिसीव करने की बात हो रही है, फटाफट से आंसर करो, जल्दी से बताओ मनीष क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या कह देंगे कि मैडम ए जो है, एक तो देखो ए की तरफ कौन कौन सी एरो आ रही है, मैम एक तो ओ आ रहा है तो एक ओ से ले सकता है और एक खुद से ले सकता है, सिर्फ इनसे रक्त ये ले सकता है, बाकियों को ये रक्त नहीं ले सकता उनसे, ठीक है बेटे। चलिए तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। अब बात आ जाती है मैम, हमारा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, मैं जब हमारा ब्लड ग्रुप तो बी नेगेटिव है, ये क्या होता है। हाँ यूनिवर्सल वाला अभी बताती हूँ बेटा, अभी यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट यहाँ बता ही नहीं सकती थी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ ए बी ब्लड ग्रुप की जब मैं बात कर रही हूँ, ओ ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ, इन सब में पॉजिटिव नेगेटिव का डेल्टा क्या है। तो एक्चुअल में क्या था, कार्ल लाइनस्टीनर ने, अब ये
चार्ट बता दिया, कहते ये इसको ब्लड दे सकता है। हमने कहा ठीक है हम ऐसे ही देंगे, सारे डॉक्टर उसी काम पे लगे हुए हैं, ठीक है इसको ब्लड तो यही जाएगा। अब 90% केसेस बढ़िया जा रहे हैं, लेकिन 10% लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अब कार्ड्स लैंड स्टीनर ने फिर से ही स्क्रैच्ड हिज हेड, तैयारी ये क्या है, चलो दोबारा सर्च करते हैं। अब इन्होंने सर्च किया तो रीजस की प्रजाति पे, ठीक है, तो रीजस के ब्लड सेल्स जब इसने देखे, रीजस मंकी, ठीक है, तो रीजस जो होता है उसकी सेल्स को जब इन्होंने देखा तो ही फाउंड एक स्पेशल प्रोटीन। इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही प्रोटीन तो उसके पे भी था, वो जो था मिस्टर ए, ठीक है, उसके ब्लड ग्रुप में भी तो था। अच्छा फिर देखा इन्होंने बी वाले के में भी यही सेम था, वो जो ओ था उसके में भी ये था, वो जो लेकिन ए बी था ना उसके पास ये नहीं था। अब इन्होंने कहा इसका मतलब ये जो प्रोटीन है ऐसा ही सेम प्रोटीन मानव के अंदर भी मिलता है, और जिनके पास ये प्रोटीन मिलता है उनको हम पॉजिटिव कह देते हैं, और जिनके पास ये प्रोटीन नहीं मिलता उनको हम नेगेटिव कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप ये मानिए ये ए ब्लड ग्रुप था, ए ब्लड ग्रुप के पास यदि ये आरएच प्रोटीन मौजूद हो जाए, इसकी सतह पर चिपक जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे, ए बी ए पॉजिटिव कह देंगे। लेकिन बी वाले के ऊपर ये एंटीजन मौजूद नहीं था तो हम इसको बी नेगेटिव कह देंगे, ठीक है। ए बी के ऊपर ये एंटीजन मौजूद नहीं था तो हम इसको ए बी नेगेटिव कह देंगे, लेकिन ओ वाले के ऊपर सिर्फ ये ही एंटीजन मौजूद था तो हम इसको ओ पॉजिटिव कह देंगे। बात क्लियर है? अब बात आ जाती है मैम, चलो ये बात तो हमको क्लियर हो गई कि जिसके पास आरएच है, रीजस फैक्टर है या रीजस प्रोटीन है, वो आरएच पॉजिटिव, जिसके पास नहीं है वो आरएच नेगेटिव। हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन मैडम अब फिर हमको बताइए कि यूनिवर्सल डोनर कौन और यूनिवर्सल रिसीवर कौन। हमने कहा कथा सुननी पड़ेगी। चलो जी यहां देखिए बेटा, एक आपका दोस्त है क्या जो नॉनवेज है, नॉनवेज खाता है, नॉन वेजिटेरियन है। दूसरा है आपका शुद्ध शाकाहारी दोस्त जो आपके साथ जब पार्टी में जाता है तब भी जैन थाली ऑर्डर करता है, ठीक है, कि अपन भैया अपन तो नहीं खाएगा, वेजिटेरियन ही खाना खाएगा बस, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, इसको ऐसे समझिएगा, जितने भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले हैं, चाहे आप ए पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे आप बी पॉजिटिव ले लीजिए, ओ पॉजिटिव ले लीजिए, ए बी पॉजिटिव ले लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ इनके वेजिटेरियन वाले भाई बंधु जो क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले, जिनके अंदर आरएच एंटीजन मौजूद नहीं है, ठीक है, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये है घनिष्ठ मित्र, ठीक है, ए पॉजिटिव अपने घर से कुछ लेके आया खाना, अब इसने कहा कि ओ भाई को एक किस किस को दे सकता है ब्लड, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, कहते हैं कि आ जाओ भैया खाना खा लो। अब ये कहते हैं कि ए बी नेगेटिव ने पूछा कि भाई क्या लेके आया, कहते हैं मम्मी ने ना आज एग करी भेजी है, ठीक है, तो कहता है ओहो मैं नहीं खा पाऊंगा भाई। तो अब आप यहां देखो क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी नहीं है, मतलब ये बंदा शुद्ध शाकाहारी है तो ये इसका खाना नहीं खाएगा, ऐसा ही होगा ना। अच्छा तो इसका मतलब ए वाला ए बी नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। अच्छा ए पॉजिटिव वाला क्या ए नेगेटिव को रक्त दे सकता है? आप देखो अगेन पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव को, कोई भी पॉजिटिव अपने खुद के नेगेटिव या किसी भी नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब नॉन वेज खाना लेके आए, ये खाते नहीं है बेचारे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उल्टा देखते हैं, अब यहाँ ए नेगेटिव जो है अपने घर से क्या ले गया है, कोई भी जो तुम्हारी फेवरेट डिश हो, चलो क्या ले गया है, ये शाही पनीर ले गया है, चलो तो ये क्या है, शाही पनीर लेके आया है, इसने ए को ऑफर किया, कहते भाई यार मम्मी ने शाही पनीर बनाया है खाएगा, है यार मेरा फेवरेट है मैं तो खाऊंगा, ए पॉजिटिव कहते, ठीक है बात समझे, तो इसके घर का खाना ये खा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन ये तो अगर मांसाहारी है तो शाक भी तो खाएगा, अब ऐसा थोड़ी है मांस ही मांस खाएगा पूरे समय, उसमें सब्जियां भी तो मिली होती है तो सब्जियां भी खाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, वेजिटेरियन का खाना नॉन वेज खा लेगा, लेकिन नॉन वेज का खाना वेज नहीं खा सकता। अब इस कॉन्सेप्ट से आप समझे क्या, अब आप मुझे खुद बताइए जरा दो तीन चीजें, कि ये जो बी नेगेटिव वाला है ये इनमें से किस किस को अपना ब्लड दे सकता है,
जल्दी से बताइए, बी नेगेटिव वाले का ब्लड किस किस को जा सकता है? आप कहोगे मैम ये लेके आया है क्या, ये लेके आया है मलाई कोफ्ता, खुद खाएगा, एबी को खिलाएगा, एबी नेगेटिव को, एबी पॉजिटिव को खिलाएगा, और ए पॉजिटिव को तो नहीं खिला सकता, वो तो इसका कट्टा दुश्मन है, ठीक है, और बी पॉजिटिव को खिलाएगा। एक चीज नोटिस करी, नेगेटिव वाला खुद के फैमिली में भी खिला रहे हैं, यानी कि खुद के पड़ोसियों को भी खिला रहे हैं, बंधुओं को भी खिला रहे हैं, और जो अदर पीपल है उनको भी खिला रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अब अगर सेम चीज हम यहाँ पे देखें, बी नेगेटिव के बाद अब नेक्स्ट कौन आ जाता है, ए बी नेगेटिव को देखिए, नहीं चलो ओ नेगेटिव देख लो, यहां से कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ओ नेगेटिव को देखो, ये किस किस को रक्त दे रहा है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। मैंने कहा हाँ सबको दे रही है, क्योंकि वैसे भी ओ वाला हमने देखा था उसके घर से पानी हर किसी के घर जाता। अच्छा यहां से देखो, क्या ये ए नेगेटिव को दे सकता है, मैम नेगेटिव एंटीजन है कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो क्या बी नेगेटिव को दे सकता है, यस मैम दे सकता है। क्या खुद खाएगा खाना अपना, यस मैम खाएगा। और क्या ये ए बी नेगेटिव को देगा, यस मैम देगा, ठीक है। तो ये केकड़ा बन गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ओ नेगेटिव है ये सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। तो ओ नेगेटिव कौन हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर। क्या है बेटे ये, यूनिवर्सल डोनर है, सबको रक्तदान करता है, ठीक है, सर्व रक्तदाता, सर्व रक्त दाता हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, अब यहां पे देखिए, क्या ओ पॉजिटिव को हम रक्त सर्व रक्त दाता कह सकते थे? कहोगे मैम ओ पॉजिटिव वाला इनमें से किसी को नहीं दे सकता रक्त, इसका मतलब वो सर्व रक्त दाता नहीं है। अच्छा अब हमको देखना है सर्व रक्त ग्रहण करता कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो इनमें से तो कोई भी इनका खाना नहीं खाएगा, तो इसका वहां पे चेक करके फायदा नहीं। अच्छा इन चारों में से किसके घर का, जो किसके घर में सबके यहां से पानी गिर रहा था, कहोगे एबी के घर में, तो सीधा एबी पे चेक कर ले। यहाँ देखो एबी पॉजिटिव को देखो, क्या ए पॉजिटिव का खाना ये खाएगा, यस खा सकता है, बी यस, ओ यस, और खुद का, यस। ए नेगेटिव से, यस मैम, बी नेगेटिव से, यस मैम, ओ से ले ही रहा है, और ए बी से भी। इसका मतलब क्या हो जाता है, जो ए बी पॉजिटिव है वह क्या हो जाता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है। क्या है, सर्व रक्त ग्रहण करता है, क्लियर है बेटे, क्या है ये, सर्व रक्त ग्रहण करता हो जाता है, क्लियर। कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको लगा हो कि मैडम ये क्या पढ़ा दिया, हमको तो समझ ही नहीं आया, कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हुई हो इतने में, तो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी, और वो टू चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज, एसएससी सीएचएसएल के लिए अपने पास है एक सफलता बैच, ये एसएससी सीएचएसएल के सभी एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है, जहां पे आपको 450 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव फाउंडेशन क्लास मिलेगी, क्लास की पीडीएफ मिलेंगी वो भी बायलिंगुअल, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर एक टॉपिक के। नेक्स्ट देखिए, मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगी और सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अपने इस बैच की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, वो मिलेगा आपको 1399 का, अगर आप एसएससी 50 कोड को अप्लाई करते हो, या फिर अगर आप बाइलिंगुअल चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा 1399 में ही, जहां पे आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में मिलेगा, ठीक है। और ये जो बैच रहेगा इसके अंदर पूरा साइंस जो है वो मैं करवा रही होंगी, और बाकी सभी जो आपके टीचर्स हैं वो भी आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयारी करेंगे, स्टैटिक जी के यहाँ पे विवेक सर करा रहे होंगे आप सभी को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि हरियाणा का उम्मीद बैच है, अगर आप में से कोई भी बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा हो, सीईटी ग्रुप डी की, जो अपना फरवरी में एग्जाम होना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्या करेंगे, 999 का ये बैच ले सकते हैं, हरियाणा उम्मीद बैच, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी है। तो अपन लोग जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को वहां पे अपनी क्लासेस लेते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा का जो उम्मीद बैच है इसमें आप डेली लाइव क्लास, क्लास मीडिया, क्विज, करंट अफेयर्स की मैगजीन, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान और जूम डाउट सेशन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं यस मैम समझ में आ गया, तो चलो जल्दी से बताइए इनमें से कौन यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर सबको रक्त कौन दान कर सकता है? आप क्या कहेंगे, मैम ओ नेगेटिव सबको रक्त दान कर सकता है, सर्व रक्त दाता हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर एच एंड आर एच फैक्टर मींस,
आरएच का मतलब क्या होता है बेटा? रीजस होता है. क्या होता है? रीजस होता है. तो यहाँ पे आरएच का मतलब क्या हो जाएगा? मंकी. रीजस मकैक मंकी को कहा जाता है. रीजस मकैक मंकी को कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे रीजस प्रजाति का ही है ये, इसीलिए हम इसको मंकी लिख देंगे. नेक्स्ट देखिए, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूहों की खोज किसने करी थी? फटाफट से आंसर कीजिए, रक्त समूहों की खोज किसने करी थी? क्या आंसर करोगे? कार्ल लाइनस्टीनर, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डिकैस्टेलो एंड स्टर्लिंग? कहेंगे मैम कार्ल लाइनस्टीनर ने 1901 के अंदर क्या किया था? ब्लड ग्रुप्स की खोज करी थी. रॉबर्ट ब्राउन जो है ये न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस इन्होंने खोजा, कोशिका का केंद्रक इन्होंने खोजा, कोशिका का केंद्रक इन्होंने खोजा. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे लिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी. पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी, एंटीबायोटिक बनाई थी. और डिकैस्टेलो एंड स्टर्लिंग की जब हम बात करते हैं, इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को खोजा था. किसको खोजा था बच्चा? ए बी ब्लड ग्रुप को इन्होंने खोजा था. नेक्स्ट देखिए, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट द ब्लड टू, भाई ए बी रक्त समूह वाला इंसान किसको रक्तदान कर सकता है? जल्दी से बताओ. माही, ओके, मलकित, ज्योति, एपी, स्वाति, पल्लू, बहुत बढ़िया, भानु, बहुत अच्छे. आंसर क्या हो जाएगा मैम? ए बी वाला सिर्फ खुद को रक्त दे सकता है. ठीक है, हमसे यही तो पूछा है किसको रक्तदान कर सकता है, तो ए बी वाला सिर्फ खुद को रक्तदान कर सकता है, बाकी किसी को नहीं. ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप डैश. जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस को रक्तदान कर सकता है? तो आप क्या कहोगे मैम? जिस जिस में ए आ रहा है उन सबको रक्तदान कर सकता है, यानी कि ए बी और ए को. नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क में दिया था. इनमें से क्या है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की रेशो? तो आप जानते हो कि मैम अगर 600 आरबीसी है तो एक डब्ल्यूबीसी मिलता है और 40 क्या मिलते हैं हम लोगों को? प्लेटलेट्स मिलते हैं, है ना. यहां पे देखिएगा, ये कितने, 45 से 55 लाख आरबीसी, डब्ल्यूबीसी 5 से 8 हजार, प्लेटलेट 1.5 से 3.5 लाख, है ना. तीनों का रेशो कुछ ना कुछ 600:1 के इस टू 400 के आसपास आएगा. नेक्स्ट देखिए, एंटीजेंस आर प्रोटीन्स प्रेजेंट डैश. प्रतिजन वह प्रोटीन है जो रक्त के डैश में मौजूद है, प्लाज्मा में, यानी कि इन प्लाज्मा, ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, ऑन डब्ल्यूबीसी या ऑन प्लेटलेट्स. क्या आंसर करोगे मैम? जब भी हम एंटीजन की बात करते हैं, ये प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी की सतह पर मौजूद है, जिनके आधार पे हम लोग अपना ब्लड ग्रुप जांचते हैं. नेक्स्ट देखिए, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स डू नॉट कंटेन, स्तनधारियों के आरबीसी में डैश शामिल नहीं होता, तो क्या कह देंगे मैम? न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और लाइसोसोम नहीं होता है. नेक्स्ट देखिए, द फॉर्म ऑफ आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, लोहे का वह रूप जो रक्त में मौजूद होता है, फेरस है, फेरिक है या दोनों में से कोई नहीं? कल देखा था हमने कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो हीम है, इसमें हीम, हीम का मतलब है आयरन, और आयन जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फेरस आयन हमें यहाँ पे मिलता है. एक क्वेश्चन अभी मैं देख रही थी, एसएससी सीजीएल के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताइए पुराने जमाने में निम्न में से किस तत्व को फेरम कहा जाता था? तो आप आंसर क्या कर दोगे कि मैम पुराने जमाने में हम आयन को ही क्या कहते थे? फेरम कहते थे. ठीक है, हाँ, ये बहुत वाले बच्चे गलत कर दिया आंसर. नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल डैश, तो हीमोग्लोबिन में हीम होता है यानी कि आयन होता है. नेक्स्ट देखिए, हु आर नोन एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, इनमें से किसे शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो हम किसको कहते हैं? जो लड़ते हैं. ठीक है, कौन लड़ते हैं? डब्ल्यूबीसी यहाँ पे लड़ते हैं. हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस इन, यानी कि रक्त गठन की जो प्रक्रिया है, रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ होती है? तो आप कहेंगे मैम हिमेटो मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स क्या हो जाता है? निर्माण. तो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर होती है. ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल, यानी कि बहुत ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की डैश होगी, क्या होगा? आकार में वृद्धि होगी, आकार में कमी होगी, संख्या में वृद्धि होगी या संख्या में कमी होगी? अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बेटे, कि जब हम कभी बहुत ऊंचाई पे जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन का लेवल घटने लगेगा. जब ऑक्सीजन का लेवल घटने लगेगा तो आरबीसी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को बढ़ा दे, मतलब अपने साइज को बढ़ा दे.
क्या करता है, आरबीसी अपनी संख्या को बढ़ा देती है ताकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा कैरी कर सके और आपके शरीर तक लेके जा सके। क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम है तो इस वजह से आप नॉर्मल, अगर आपके जितने आरबीसी यहाँ पे हैं, अगर ऊपर बीत नहीं रहेंगे, किसी ऑल्टीट्यूड पर बीत नहीं रहेंगे, तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं होगी। इसीलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो आरबीसी है वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। वैसे भी 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है, 100 से 120 दिन का, तो अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो मरते जाएंगे ना, बात समझे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। आप क्या कहेंगे कि मैम हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब तभी तो हो रहा है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बना, जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है बेटे, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। याद कीजिए आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं है, और लाइसोसोम्स ना होने के कारण आपका जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है वो हम किसको कह देते हैं, स्प्लीन को कह देते हैं। ये प्लीहा के पास जाता है, आपको पता है यहाँ पे भी काम खत्म नहीं होता। प्लीहा के पास गया, आरबीसी मर गया, आरबीसी के अंदर का हीमोग्लोबिन निकाला, उसको बेच दिया लीवर को, और लीवर उसको फिर बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन और यूरोबिलिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए जब डाइजेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे, अभी तो आप बस इतना ही देखिए कि लाइसोसोम ना होने के कारण हमारा जो लीव आरबीसी है उसका कब्रिस्तान हम स्प्लीन को कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज डू नॉट कंटेन। मैंने कहा था ना ऐसा सवाल बनता है आपके पेपर में, कल की क्लास में बोला ये चीज। तो यहाँ देखिए, आरबीसी एरोबिक श्वसन नहीं करते क्योंकि इनमें डैश शामिल नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम। कहेंगे मैम वैसे तो सी को छोड़ के सभी नहीं होते, लेकिन श्वसन के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपका आ जाता है, अब हम हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि अब आपके प्यारे प्यारे दिल की बात हो जाए, है ना। अच्छा मुझे जल्दी से दिल की साउंड्स बताइए कि आपके दिल में कौन सी साउंड्स आती है, आपके दिल में कौन सी साउंड्स आती है, पता है। कहेंगे मैम धक धक ना, लब डब। ठीक है, अच्छा देखो बेटा यहाँ पे कि सबसे पहली चीज तो मैम हृदय क्या है, हृदय ना एक पंपिंग ऑर्गन होता है, और जनरली हम किसी भी एक स्तनधारी जीव की बात करते हैं, एक मैमल की बात करते हैं, तो उसके पास एक हृदय होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो अकशेरुक है, उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है और उनके पास एक से ज्यादा हृदय है। ठीक है, जैसे अर्थवर्म के पास 5 हृदय होते हैं। ठीक है, अर्थवर्म के पास 5 हृदय होते हैं, ऑक्टोपस के पास 3 हृदय होते हैं। ठीक है, और हैगफिश जो है, हैगफिश वर्टिब्रेट्स में ही आती है कह रही है, और ये जो हैगफिश है इसको मिक्सिन के नाम से जाना जाता है, और इसके पास जो है 4 हृदय मिलेंगे। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस जीव के पास जो है एक से ज्यादा हृदय है, तो आप इनका नाम आंसर कर सकते हो। इवन ऑक्टोपस के लिए तो सीधा पूछ भी लिया जाता है, ऑक्टोपस हुआ, स्क्विड हुआ, इनके पास कितने हृदय हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके पास 3 हृदय होते हैं। ठीक है, हाँ धक धक सिर्फ फिल्मों में होता है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे जब भी हम हार्ट की बात करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वह क्या है, वह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बिल्कुल मुट्ठी के जितना बड़ा है। ठीक है, जो बिल्कुल मुट्ठी के जितना बड़ा होता है, और यह कहाँ लोकेटेड होता है, यह लोकेटेड होता है हमारे चेस्ट के एकदम सेंटर में। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हार्ट होता है वह कैसा है, वो मुट्ठी के आकार का है, और ये हमारे किसके अंदर मौजूद होगा, ये हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीच में मौजूद होता है। फिर मैडम मैं से क्यों कहते आ रहे हैं बचपन से, मेरा दिल तो लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, तो
तो बेटा बेसिकली ये जो आपका हार्ट है कुछ ऐसे यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन वो ना हल्का सा टिल्टेड है ऐसे लेफ्ट की तरफ, तो इसी वजह से हम हार्ट को कह देते हैं कि वो लेफ्ट की तरफ है, बट एक्चुअल में वो आपके एकदम सेंटर में लोकेटेड है। एक मिनट लोकेशन दिखाती हूँ, आप खुद देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। ये आपका हार्ट है, ठीक है, पसलियां दिख रही होंगी आपको अपनी, पीछे कशेरुक दंड भी दिख रहा होगा, ये है ना, रीढ़ की हड्डी भी दिख रही होगी। तो अब अगर यहाँ पे बात करें, आप देखिए आपका हार्ट कैसे लोकेटेड है, आप क्या कह देंगे, मैम ये जो हमारा हार्ट है ये क्या है, ये हमारा सेंटर में लोकेटेड है। भाई यहां से देखो ना, दोनों तरफ से अगर आपकी रीढ़ की हड्डी या आपकी रिब केज को हम देखें तो रिब केज का ऑलमोस्ट सेम सा डिस्टेंस है, लेकिन ये जो हमारा हार्ट है मैडम, इसका इतना पोर्शन ना थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वजह से हम इसको कह देंगे कि मैडम ये जो हार्ट है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी रिब केज है, इस रिब केज के अंदर आपका ज्यादातर ये जो आपका सेंटर वाला उरोस्थी होती है, ठीक है, स्टर्नम होती है, ये हार्ट को कवर कर लेती है और इसमें हल्का टिल्टिंग जो है वो हार्ट की लेफ्ट की तरफ हमें दिखाई देती है। ये जो रिब केज है ना, ये इस नाजुक से अंग की रक्षा भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब बात आ जाती है कि मैम ये जो हमारा हार्ट है इसमें कितनी लेयर्स होती है, तो बेटा देखिएगा आपके हार्ट जो होता है ना इसके अंदर कई सारी लेयर्स होती है, और इसमें सबसे पहली और पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो लेयर है, सबसे ज्यादा क्या यही लेयर पूछी जाती है बस, तो यहां पे देखिएगा आपके हार्ट की रक्षा करने के लिए, ठीक है, आपके हार्ट की रक्षा करने के लिए एक बाहर से एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को जैसे आपको यहां पे दिख रही है बहुत ही पतली सी झिल्ली है, इस पतली सी झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब कहोगे मैम कार्डियम क्यों, क्योंकि बेटा कार्डियक शब्द जो है यह किसके लिए, यह है हृदय को संदर्भित करता है। कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी हो जाता है हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी क्या हो जाता है, हृदय का अध्ययन हो जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये जो पेरिकार्डियम है और जो आपका हार्ट है इसके बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कह देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो गया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया बेटा पल्लू ने। नेक्स्ट देखो, अब हमारा जो हार्ट है वो कुछ स्पेशल मसल्स से बना होता है, और वो स्पेशल मसल्स कौन सी होती है, वो स्पेशल मसल्स होती है बेटा कार्डियक मसल। ये जो कार्डियक मसल होती है ना, ये इकलौती ऐसी मसल है जो शरीर के किसी और अंग में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हार्ट में ही मिलती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही मिलती है ये वाली मसल्स। नेक्स्ट चीज देखिएगा कि हमारा जो हृदय होता है इसके अंदर चार कक्ष मिलते हैं, ठीक है, हमारा जो हृदय होता है, अच्छा चार कक्ष से पहले ना इसकी लेयर्स और देख लीजिए कि हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट का ये जो दीवार है, मसल्स जो है, इन मसल्स से दीवार बनी हार्ट की, तो वो जो हार्ट की जो वॉल बनी, भित्ति जो बनी है, उस भित्ति के अंदर कितनी लेयर्स हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहली एपिकार्डियम मिलती है, सबसे बाहरी लेयर, ठीक है, हार्ट की सबसे बाहरी लेयर एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद ये जो सेंटर में आ गई दूसरे नंबर की लेयर, इसको कहते हैं मायोकार्डियम, ठीक है, और फिर उसके बाद अंदर वाला जो भाग हो जाता है उसको हम एंडोकार्डियम कह देते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मोटी लेयर कौन सी होती है, एंड वो मायोकार्डियम, ठीक है, क्या, मायोकार्डियम सबसे ज्यादा मोटी लेयर होती है, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स होती है, बाकी पेपर में नहीं पूछे जाते तो टेंशन मत लो, ठीक। अब बात आ जाता है, हम अपने हार्ट की बात करते हैं, देख रहे हो कितना टफ सा डायग्राम है हार्ट का, ऐसे ही बनाया था ना 10th क्लास में जब बायोलॉजी पढ़ी थी, है ना, फिर उसके बाद आपने कहा आज के बाद दिल ही नहीं बनाना हमें, ठीक है, अपन तो ये वाला दिल बनाएंगे, है ना। चलो तो कोई बात नहीं, हम ऐसे वाला वैसे वाला सारा दिल बना के देख लेते हैं। तो अभी तो पहले चलो मैं ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। देखिए आपका जो दिल है आप उसको मानिए कैसे, एक खिड़की जैसा, ठीक है, ठीक। अब देखो ये जो
आपका दिल था, इस दिल को हमने चौखंठा बना दिया, पहली चीज तो ये चौकोर बना दिया है, और यहाँ पे ये जो चौकोर सा दिल है, इस चौकोर से दिल में जो ऊपरी कक्ष है, ये वाले जो कक्ष है, ये ऊपर वाले, तो ऊपर वाले कक्ष छोटे होते हैं, ठीक है, इनको हम आलिंद कहते हैं या आट्रियम कहते हैं, आलिंद या आट्रियम कहते हैं, या ओरिकल भी कह देते हैं, ठीक है, आलिंद ऑट्रियल सॉरी ऑट्रियम या ओरिकल कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नीचे वाले जो भाग है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम निलय कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, निलय यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। तो आप देखो इसको याद कैसे करना है, आलिंद मतलब आएगा, तो आलिंद के अंदर क्या होता है, रक्त आता है, ठीक है, और निलय, निलय मतलब निकलेगा, तो यहां से क्या होगा, रक्त निकलेगा। कहोगे मैम इंग्लिश में कैसे याद करें, तो आना तो याद हो गया आलिंद से, ठीक है, या आट्रियम से आना, वेंट गो, वेंट बोन सुना है ना, तो वेंट, वेंट का मतलब चला गया, तो यहां से क्या होगा, निकलेगा, ऐसे करके याद रख लोगे। अच्छा, अब बात आ जाती है, क्या बात आ जाती है कि मैम ये चलो हमको समझ में आ गया, लेकिन बचपन से ना हमको एक दिक्कत है, और वो ये है कि हमको ये नहीं समझ में आता इसका लेफ्ट कौन सा, इसका राइट कौन सा, आज के बाद भूलोगे नहीं कभी, कैसे नहीं भूलोगे, यहां पे देखो, यहां पे हमने बना दिया ये एक प्यारे बच्चे को, ठीक है, हमें नहीं पता कौन है ये बच्चा है, मिस्टर, मिस्टर बच्चा, ठीक है, वो कुल वहां पर ना बच्चा यादव वो ये ठीक है, कपिल शर्मा के शो वाला, चलो तो ये जो बच्चा यादव है, इस बच्चा यादव का दिल अपन लोगों ने निकाला, ठीक है। अब आप देखो ये बच्चा यादव हमारे सामने खड़ा है, ऐसे हमारा लेफ्ट ये है, तो बच्चा यादव, बच्चा यादव का लेफ्ट कौन सा होगा, कहोगे मैम बच्चा यादव तो यूं खड़ा है ना, तो अगर वो यूं खड़ा है, इसका राइट ये और लेफ्ट ये, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड इसका, ये राइट साइड, तो यहाँ पे बच्चा यादव का ये क्या हो जाएगा बेटा, बच्चा का ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, तो इस ऊपर वाले कक्ष को क्या कहेंगे, राइट आट्रियम, इस साइड वाले ये वाला जो कक्ष होगा इसको हम कहेंगे लेफ्ट आट्रियम, ये वाला कक्ष हो जाएगा राइट आले, राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, चलो। अच्छा, सूगला, ठीक है, बच्चा सूगला, ठीक, चलो यहां देखिए बेटे, चले आगे, इतना क्लियर है, चार कक्ष बना दिए, तो अब अगर देखो चार कक्षों को, यहां कहां है मैम ये चार कक्ष, देखो एक कक्ष ये रहा, ये रहा, तो ये लेफ्ट राइट आट्रियम, लेफ्ट आट्रियम, ये देखो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, देख रहे हो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार कितनी मोटी है, तो ये क्वेश्चन भी ये पूछ लिया जाता है आपके पेपर में कि निम्न में से कौन से कक्ष की दीवार सबसे ज्यादा मोटी होती है, क्या आंसर करोगे मैम, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे ज्यादा मोटी होती है, सबसे ज्यादा जो थिक दीवार होती है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चलिए अब देखो, अब बात आ जाती है क्या कि मैडम ये जो ऊपर वाले कक्ष हैं इनके अंदर ब्लड आता है, नीचे वाले कक्ष से हमेशा ब्लड निकलता है, लेकिन मैम कौन सी साइड से निकलता है। अब आप लोग कहते हैं मैम मैं ना दिल से सोचता हूं, बेटा दिल का काम नहीं है सोचने का, इसका मतलब आपने गलत सोचा है ना, तो अब यहां से आप क्या समझे कि मैम हार्ट की जो राइट साइड है वहां पे गलत खून जाएगा, गलत खून का मतलब क्या है, CO2 वाला ब्लड जाता है, कैसा ब्लड जाएगा बच्चा, CO2 वाला ब्लड जाएगा, और जो यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, ठीक है, क्लियर है बेटे। चलो तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां से जाएगा, CO2 वाला कहां से जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो अपना हार्ट है ना, इस हार्ट के अंदर हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, और वो और चीजें क्या है, वो और चीजें हैं इसके दरवाजे, ठीक है, यहाँ आपको दरवाजे प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए ये आपका हार्ट है, और इस हार्ट के अंदर यहाँ पे कुछ दरवाजे हैं, और यही दरवाजे मैंने आपको दिखाए थे, वो जो ऐसे करके बना रखे, जो आपके लेफ्ट साइड वाले जो दरवाजे हैं, ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाले जो दरवाजे हैं तो वो बाई ओर है, हिंदी में लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाई, तो यहीं से ध्यान रखना बाई कस्पिड बॉल्ब है, ठीक है बेटा, हरियाणा के लिए ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एसएससी के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ता डेप्थ में, लेकिन हरियाणा वाले बच्चे अगर आप हो तो प्लीज इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझिए चीजों को। तो यहां पे देखिए जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पे जो आपका हृदय है वह क्या है, वह है लेफ्ट वेंट्रिकल,
और लेफ्ट आट्रियम, इन दोनों के बीच का रास्ता है, दरवाजा है। बचपन में बचपन में नहीं, आपने आपके पेरेंट्स ने देखी होगी, गांव में किवाड़ हुआ करती थी। कैसे? वो दो किवाड़े, आजकल तो सिंगल डोर हो गया है ना, लेकिन पहले ना किवाड़े ऐसे, मतलब दरवाजे कैसे हुआ करते थे, पहले जो दरवाजे होते थे वो एक साथ दो दरवाजे हुआ करते थे, तो दोनों पल्लड़े आपस में खुलते और बंद होते थे, ऐसे होता था। आजकल भी आप लोगों को गांव में दिख जाएंगी अक्सर ऐसी दीवारें, ऐसी आपको दरवाजे, ठीक है। अब क्या होता है कि आप ये मानिए कि ये जो हमने कपाट बनाए हैं, ये क्या है? आलिंद और निलय के बीच का दरवाजा है, ठीक है। क्या है? आलिंद और निलय के बीच का दरवाजा है। जब आलिंद से निलय में रक्त जाता है तो ये दरवाजा खुल जाता है, जैसे ही सारा रक्त ट्रांसफर हो जाता है ये बंद हो जाता है। अच्छा ध्यान रखना, बंद आवाज के साथ होता है ये। और पता है एक और चीज बताऊं, आपका ये जो हार्ट है ना, इसमें दोनों चीजें एक साथ होती है। इधर से रक्त जब नीचे जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो जिस टाइम पे जाएगा सेम उसी टाइम पे यहां से ऑक्सीजन वाला रक्त नीचे जाता है, और दोनों के दरवाजे एक साथ खुलते एक साथ बंद होते हैं, ठीक है। और तब एक आवाज आती है, कौन सी? क्या शांत रहो है या फिर जागते रहो? नहीं, तब एक आवाज आती है लब। कौन सी आवाज आएगी बेटे? तब एक आवाज आती है लब नाम से, ठीक है, लब। और फिर उसके बाद रक्त कहाँ पहुंच गया? निलय में। अच्छा, ये जो आपका रक्त पहुंच रहा है वो एक्चुअल में यहाँ पे ना कुछ सिग्नल जनरेट करने वाला एक नोड होता है, एक गुच्छा होता है, जो क्या करता है, जो आपके आलिंद और निलय को क्या भेजता है? इंफॉर्मेशन भेजता है कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुमको सिकुड़ना है या अब तुमको फैलना है। तो यहाँ पे जब आपका रक्त यहां से यहां जाता है तो आपका आलिंद ना सिकुड़ चुका होता है और फिर यहाँ निलय में गया। अब निलय से ना रक्त को निकलना है बाहर, बाहर निकलने के लिए इसके पास है कुछ ट्यूब, ठीक है। इसके पास क्या है बेटा? कुछ ट्यूब है, जैसे आप यहां देखिए, यहाँ पे निलय से रक्त को बाहर निकलना है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने ट्यूब बना दी। तो ये जो ट्यूब है, अब हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका हार्ट है, यहाँ पे देखो, ये रहा आपका कौन सा? बाइकस्पिड वाल्व, द्विवलनी कपाट, इसमें दो वलय होते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है बेटा? ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। तो लेफ्ट साइड बाई ओर क्या है? द्विवलनी कपाट, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या है? त्रिवलनी कपाट। अरे दो के ऑपोजिट तीन कर लो बस, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो ये द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट से क्या होता है? ब्लड ट्रांसफर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो ब्लड है, जब वो आपका शरीर से बाहर निकलेगा, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे जरूर बता, क्योंकि कल हम इसको एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हमारा सर्किट जनरेट हो रहा है और सर्किट के जनरेट होने से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो आई जस्ट होप सो आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप इसी तरीके से एकदम मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से चीजों को समझना चाहते हो अच्छे से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग हमारे पास हैं दो बैचेस। यदि आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उम्मीद बैच में, ठीक है, जिसके अंदर आप 999 में अपने इस बैच को ले सकते हैं, अगर आप उम्मीद 50 कोड को अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे डेली लाइव क्लास, क्लास पीडीएफ, क्विज, करंट अफेयर्स की मैगजीन, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान और जूम डाउट सेशन आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप फुल साइंस पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी, किसमें? सफलता बैच, बायलिंगुअल बैच में, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप लोगों को 1399 में आपका ये SSC 50 कोड अप्लाई करने पे पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको मिलेगा। और हाँ, एक और चीज बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ पे ना आपको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स मिलेंगे, किताबें भी आपको मिल सकती हैं, अगर आप जो बैच है सफलता बैच विद बुक्स लेते हो, तो वो जो विद मॉड्यूल्स है उसका जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो 1999 है, यानी कि 2000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा, और किताबें आपके घर पहुंचाई जाएंगी डाक द्वारा 5 दिसंबर से पहले पहले, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग सफलता बैच से जुड़ सकते हैं, 9 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, 9 किताबें आपको मिलेंगी SSC CHSL की तैयारी के लिए। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देते हैं, दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, क्लास में जितने भी बालक ऐसे हो जिनको क्लास अच्छी लगी हो, अपनी क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी रोहतक वाले हैं सारे जो है वहां पे हमारी टीम गई हुई है, उनके साथ जाके जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, राम राम।